निकाल के चलाता है जबकि उसमें कोई रॉकेट था ही नहीं इ, ओ, ओ, वेट। अ, अ, अरे सारी पाजी पेंट तो ऊपर कर लेते हैं थोड़ी ऐसा भाई इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये लोग रोड पर देखकर हंस हाँ रहे हैं और ये डांस कर ही जा रहे हैं। इस बंदे को हर जगह जोक आ जाता है नहीं नहीं आप लोग एक बार याद जोक सुन ही लो सुनो, 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 सुन सुन यार एक बार एक, एक लड़की अपनी माँ से कहती है शादी के बाद हमारी ये, ये रात क्या होती है मुझे नहीं मालूम इतने में एक बुढ़िया आती है, है। सत्तर साल अच्छा। सत्तर साल की बुढ़िया कहती है बेटे ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती और अगर फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं चले जाती हूँ मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हल्का हंस ऊपर से क्राउड का रिएक्शन देखो जरा पहले जबरदस्ती हसे हैं ये लोग पर जब कैमरा इन पर जाकर वापस आता है अब ऐसा लग रहा है जैसे तो डांस वाले काले लोंडे आ गए हैं भाई इतने मस्त जोक पर तो इसे उठाना बनता ही है यार ये लड़की नॉर्मल भी तो चल सकती है ना पर जिटी की लड़कियों जैसा की चल रही है और ये बंदा इतना उतावला है कि मेहमानों ने अभी तक खाना नहीं खाया और ये सुहागराद मनाने निकल गया को खाना खिलाने के चक्कर में खुद भूखा रह जाएगा जा। मतलब आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में और जैसे आपके मम्मी डैडी चैनल चेंज करने वाले ही होते हैं तो ये लड़की एकदम स्केलेटन बन जाती है और स्केलेटन में लगता है जॉन सीना का स्कैलेटन है आई मीन डोले छोले और थाइस वगैरह तो देखो यार और जब ये स्केलेटन विजय को मार देता है तो यार मैंने सोचा की इसके दोस्त तो इसका पक्का बदला लेंगे कुत्ते से भी बदतर मौत है अगर वो उन कमीनों को नहीं मारता मैं उन दोनों तो को अपने हाथों से मार डालता। अब यार लिटरली एक दिन पहले उसकी शादी में उसके साथ ही खेल रहे थे और अब माफी दिलाने की सजा दिलानी चाहिए से बताओ और नो चीटिंग और अगर ना समझ आए तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसका वीडियो के एंड ही बताऊंगा ये लड़का जब वो फोटो देखता है जो इसने शादी पर ली थी तो वो लड़की इसमें होती ही नहीं है नहीं मतलब लड़की गायब होनी चाहिए थी ना क्यूँकी वो कपड़े तो पुलिस वालों को भी दिए थे मतलब लड़की आत्मा थी ना कपड़े तो नहीं ना दिव्या बाथरूम में नहा रही होती है अपने दोस्त के साथ तो बाहर चिरकुट पार्टी आकर बैठ जाते हैं और जब ये दिव्या को फेंकते हैं तो दिव्या नंगे पाओ बेड पर गिर रही है पर फिर जब इसे अपना पैर मारती है तो इसने तो हाई हील्स पहनी होती है और यार हील इसके मुँह पर मारी है तो इसकी तो आंख की गोटी अंदर चले जानी चाहिए थी पर इसे तो कुछ हुआ ही नहीं लगता है करण भैया दया के फैन है क्यूँकी ये दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है पर फिर भी ये तोड़कर ही अंदर आए और फिर जो इसने अंदर आकर इन चिरकुटो की धुलाई की ओ, ओ वेट। अ, अरे सनी पाजी पेंट तो ऊपर कर लेते थोड़ी पूरी गुफाई दिखा दी यार अरे इतना कुछ हो गया पर वो लड़की जो दिव्या के साथ बाथरूम में नहा रही थी ना वो बाहर नहीं निकली अभी तक तोया तो कुछ देर पहले एक लड़की के इज्जत लूट रहे थे और अब कह रहे हैं इंसान की पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है नहीं मतलब कुछ भी कुछ भी इस फिल्म में इतने हीरोज हैं सब देख रहा कैसे इसकी के बचाते हैं माफ कर दे गलती किसी से हो सकती है Wait, भाई अगर ये तेरी बंदी के साथ करता तो हाथ पैर तोड़ देता मैं गुड लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे यार माफ़ कर दे तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे मरे हुए आदमी का उठ पड़े आई मीन I mean दिल आ, अबे कैसी बातें कर रहे हो अतुल भैया मान लेना चाहिए वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है मतलब एक लड़की अपनी इज्जत को बचाए तो उसे अपनी खूबसूरती पर घरूर है वाह भाई अबे यार दुख तो इस बात का है की यही चिरकुट पर बच जाता है मेरे पास एक सोल्यूशन है फाइनली यार ये बंदा दिव्या का साथ देगा मैं एक जोक सुनाता हूँ और यार एक बात मेरे को समझ नहीं आई ये कौन सा कॉलेज है जहाँ तीस साल से नीचे कोई स्टूडेंट ही नहीं है नहीं अगर हम अतुल और अजय को मान भी लेते हैं पर आदित्य पहन चोली भी स्टूडेंट है इस सीन में दिव्या इस जगह पर आई है तो पीछे बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी है यार लिटरली पेंटिंग करके लगाई हुई है इतना ही था बंदा तो यहाँ ग्रीन स्क्रीन यूज कर लेता पर एकदम से बारिश शुरू हो जाती है ताकि दिव्या इस पेड़ के नीचे चली जाए पर जैसे ये ना गाता है तो बारिश रुक भी गयी फिर ये नाग दिव्या को स्टोरी सुनाता है कि कैसे ये विंडो एक्सपी के स्क्रीन सेवर पर नाचा करते थे तो नाचते नाचते इन्होंने देसी धोर के तपस्या को भंग कर दिया और उसने तुम्हें शराब दिया ओ वेट पहले देखो ये कितनी जोर जोर से अपना सर मारकर माफी मांग रहे हैं। अब दिव्या को याद आ गया कि ये नाग इसका सदियों से वेट कर रहा है आ, आ, क, कंट्रोल नाग भैया माना कि आप सदियों से वेट कर रहे हो प, पर थोड़ा कंट्रोल यार। यारो oh no. अच्छा वैसे ये नाग भी बड़ा हैवी ड्राइवर है आई I मीन mean बड़ा शाना बंदा है क्योंकि इसे पता था कि दिव्या का इक्कीसवीं सदी को जन्म होगा तो ये आया तभी जब दिव्या जवान हो गई है जब दिव्या पैदा हुई थी तब नहीं आया ये इसने भी कहा होगा की अब यार बचपन में ही आ गया तो दिव्या आशिक की जगह अपना पापा ही न बना ले दिव्या को ये बंदा जब गिराता है तो इसके पैर देख पता चला की दिव्या कोई गोरा होने की क्रीमे लगाती है क्यूँकी इसके पैर देखो यार माल आई एम नॉट रेसिस्ट बट रेल ब्रो थोड़ी क्रीम दिव्या पैरों पर ही लगा लेती अब दिव्या जख्मी पड़ी हुई है कॉल अप हॉस्पिटल चल इसे एम्बुलेंस बुलाओ पर एम्बुलेंस कोई नहीं बुलाता बल्कि ये लोग उसे बातें करना स्टार्ट हो गए ऐसा किया, किया जो हम पे इल्जाम लगाती जा रही तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक हाँ नहीं है दिव्या अरे भाई एम्बुलेंस बुला लो ये बातें बाद में कर लेना मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियाँ देती रहो अरे अरे एम्बुलेंस नाग भैया को जो पता चलता है कि दिव्या मर गई है Oh यार नाग लोगों के बगलों में बाल भी होते हैं अब उनको नहीं पता था वैसे ही फिर कपिल मतलब नाग विकराल बनकर अपने मुंह से इतनी तेज हवा छोड़ता है कि ये लोग अलग अलग जगह पर खड़े हैं और जब सब उड़ने लग जाते हैं तो पीछे सबका बैकग्राउंड एक ही है मतलब एक ही जगह से उड़ के गिर रहे हैं जबकि सबको अपनी अपनी जगह ऐसी के गिरना चाहिए था इस दिन में कपिल इस लड़के को मारने के लिए अपनी बाइक उड़ाता हुआ आ रहा है तो ग्रीन स्क्रीन ट्रैकिंग के बाद ये वाला बंदा गायब करना भूल ही गए रेल में ये बंदा बाइक को स्पोर्ट देता हुआ आ रहा है और बाइक लगने से दो सेकंड पहले इन्होंने गाड़ी में कोई पुतला बढ़ा दिया। अब कपिल विक्टर को मार के बाकी सबको मारने के लिए विक्टरी बनकर अतुल की बर्थडे पर जाता है तो वहाँ जाकर नाचना शुरू हो जाता है अरे कपिल भैया आप तो अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने आए थे ना अबे आग लगे बस्ती में अब उन अपनी मस्ती में म्यूजिक जब कपिल यहाँ से भाग कर इस शीशे के आर पार जाता है तो पब्लिक रिएक्शन देखो जरा अब यार लिटरली तुम्हारे सामने एक बंदा दीवार के आर पार चला गया हम जैसा बंदा हो तो फट के हाथ में आ जाए आई मीन I mean, पेंट पर इनकी चकले देख कर लग रहा है जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वाह भाई और वैसे यार कपिल इन सबसे डर के भाग क्यूँ रहे अब यार इच्छादार दार न आ गया तू भाई उस दिन की तरह मुँह ऐसी बलोर चला और उड़ा कर नहीं पर अबे साले इस दिन में ये फादर दिव्या की आत्मा को बुला रहे हैं आगो आगो। अरे फादर आत्मा को बुलाना है लड़की को कमरे में नहीं आगो आगो। इतना शक्ति कपूर बनने की क्या ज़रूरत है बाबा और अब देविया की आत्मा आ गई है तो ये लोगों ने आत्मा से ही बहस करना शुरू कर दी बार बार इल्जाम लगा कर तो साबित क्या करना चाहती हो अरे भाई आत्मा है यार वो पागलपन में तुमने आत्महत्या की है अब एक आत्मा को कुछ तो इज्जत दो यार ये पेंडेंट सबको दे रहा है कि नाग या आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी तो विजय देखो कितनी जल्दी पकड़ता है जबकि कुछ देर पहले ये कह रहा था की नादानियों के वजह से वो भाग गया तुम लोग मेरा साथ देते यही जान से मार देता और अतुल ये पेंडेंट नहीं पहनता और जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे जबरदस्ती पहना रही होती है तो कपिल अपनी जीप लेकर आ जाता है और अतुल को उड़ाने ही वाला होता है की उसकी जीप बीच में से कट जाती है क्यूँकी अतुल ने पेंडेंट पकड़ा हुआ था oh, no. अब यार जीप तो रियल है ना ओ आई मीन थ्री वाली रियल है अब ये थोड़ी ना की पेंडेंट पकड़ के बंदा ट्रेन के आगे आ जाए और वैसे ये जीप कपिल चला के आ रहा है पर साइड से तो जीप में है ही नहीं कोई जादू? अभी नहीं क्योंकि कपिल अबुल की गल तो लिटरली आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और वहां कोई ऐसे लगाओ भाई गाना शूट कर रहे हो तो बंदा ट्रैफिक ब्लॉक करवा देता है पर नहीं किसका दिल कर रहा है आगे पीछे से गुजरी जा रहा है लोग कैमरे के सामने आकर शूटिंग देखी जा रहे हैं एंड रिमेम्बर ये अतुल की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कपिल है कपिल पर कपिल का काम देखो जरा अबे भाई तू यहाँ मारने आया था पर कभी ये नाच रहा है कभी उसके साथ रोमांस कर रहा है मुझे तो ये कपिल नागे लोंडेबाज लगता है और मजे की बात ये फिर भाग गया अब यार क्या डर पोग नागे वैसे कपिल कपिल टीवी शो से निकल के यहाँ आ जाता है इस ऑडियंस के सामने नो reaction from audience. और फिर नाग कोई पीटना उसके पास ना आए ये मतलब नहीं है कि अतुल उस लॉकेट से शक्तिमानी बन जाए और मजे की बात नाग फिर भाग गया, गया <laughs> अपना साथ उड़ा कर ले गई अब फाइनली अतुल का लॉकेट गिर गया और अतुल काबू में भी आ गया फिर अतुल बचने के लिए कपिल की आंखों में मट्टी फेंक देता है पर वेट कपिल ने तो ग्लासेस लगाई हुई है ना तो इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था अतुल अपनी बाइक में से रॉकेट लॉन्चर निकाल के चलाता है जबकि उसमें कोई रॉकेट था नहीं और भाई अतुल को ये रॉकेट लॉन्चर दिया किसने क्यूँकी ये अपने घर ऐसी लेकर आ रहा था ये एक्सप्लेन प्लीज अतुल के रॉकेट ऐसी उड़ाने पर भी ये नाग भैया नहीं मरे तो भाई टाइम तो बच जाता ना यार पर नहीं इसी में प्रेम अशोक का गला दबाकर मार देता है तो पुलिस भी उसी टाइम आकर प्रेम को गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाती है पर भाई अंदर जो डेड बॉडी है उसे तो देख लो जाकर पहले फिर ये लड़की आकर कहती है अचानक अशोक का पैर फिसल गया और उसका सर पत्थर से जा टकराया जिससे उसकी मौत हो गई पुलिस तो आती है ना उन्हें तो शो की डेड बॉडी देखकर जैसे पता ही नहीं लगेगा कि इसका गला दुबाया सीढ़ियों से गिराया ऐसा तब होता जब आप अपनी बहन को हल्का सा धक्का दो अपनी ही प्रेम को फांसी दिलवा दी आए। 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 <laughs> मतलब ओवर एक्टिंग की तो कोई ना हमारी बहने यहाँ ये फादर कंपटीशन की अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो फ्री स्टाइल ये बोलते ही नहीं है फिर भी आवाज आती है कॉलेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल बॉक्सिंग फ्री स्टाइल चैंपियनशिप का फाइनल और अब डीन वर्सेस विजय द बॉक्सिंग मैच शुरू होता है जोरों का मुकाबला चल रहा है दोनों खूनो खून खुर हो रहे हैं पर एज यूजुअल पीछे ऑडियंस का जीरो रिएक्शन है आई I मीन mean, यार कोई जोश ही नहीं कोई इंटरेस्ट ही नहीं और ये दोनों लड़कियों की तो शक्लें देख लग रहा है जैसे इन्हें नींद आ रही है और यार कौन सा बॉक्सिंग मैच है जिसमे अगला बंदा अगर मारना शुरू होता है तो दूसरा बंदा वो आगे कर करके बस मुक्के खाई जा रहा है अब यार कुछ ब्लॉक तो करो कोई डिफेंस तो करो एट लीस्ट रोकने की ट्राई तो करो पर नहीं ये तो ऐसे है कि ओ भाई मारो मुझे मारो विजय के अंदर दिव्या की आत्मा आ जाती है तो जब ये छत से छलांग मार रहा होता है तो बीच में से दिव्या की आत्मा निकलनी चाहिए ना पर ना 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 इसमें से तो कपिल मतलब नाग निकल रहा है और जब कैमरा नीचे जाकर दोबारा ऊपर आता है मतलब जिसने ये सीन एडिट किया होगा ना उसे बाद में याद आया होगा कि अबे अंदर तो दिव्या गई थी और विजय छलांग मारने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का मारता है पर जैसे वो नीचे गिरता है तो साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी आ गई नहीं मतलब भाई ये पेट्रोल पीती है की जो इतनी स्पीड है इतनी स्पीड से वो छत से नीचे नहीं गिरा की वो सीढ़ियों से नीचे आ गई हमको 500 उधार हम तेरे तेरे को कल देंगे यार क्या मैं फाइव हंड्रेड उठा दें लेकिन आज दे दे समझ क्या हो रहा है जो आज लेकर आज देगी मतलब को बेवकूफ समझते अब विवेक को पता चल गया कि विजय भी मर चुका है अब अपने दोस्त के मरने के गम में ये बस एक ही काम करेगा कॉन्सर्ट में जाकर नाचने लग गया है भाई लोग अगर आप अपने दोस्त के उठाते हो आई I मीन mean, को उठाते हो अपनी पलकों पर तो ये फिल्म आपके लिए है क्योंकि भाई तेरे मरने के बाद तेरे किसी दोस्त को घंटा फटनी पड़ेगा सो so, मां की दुआ लो क्योंकि जिंदगी का मजा माँ की आंख आई मीन माँ की दुआ में ही है और कॉन्सर्ट में क्राउड देखो कितना ज्यादा आया हुआ ना पांच छह बंदों को कॉपी पेस्ट मारा हुआ ये बंदा यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, है। अच्छा इसे छोड़ो इस वाले लड़के को काउंट करो जरा भाई लोग अब जितनी भी मिस्टेक्स होंगी ना तो मैं बोनस दूंगा उन पर क्योंकि अब बहुत घात तक होने हैं ये मिस्टेक्स क्योंकि अब फादर के रूप में आया कपिल विविक को मारने तो भाई मारने के बजाय उसे झूले दी जा रहे और फिर जब रियल फादर आता है तो आराम से सोफा रख भी देता है कि कहीं उसे लगना जाए फिर फादर लॉकेट लेने जाता है तो अब करण के रूप में आ गया अबे भाई मारना है तो जल्दी मारना कल सुबह पनवेल निकलना है क्या बार बार रूप चेंज करके आई जा रहा है डायरेक्टली मार देना यार इसने कौन सा कुछ कर देना है फिर विवेक की इस एक्टिंग पर ऑस्कर तो बनता है नहीं नहीं भाई औस्कर तो बनता है पुलिस आती है तो सारी पुलिस ने गंस करण की तरफ की हुई है पर ये पुलिस वाला लगता है अपने बंदे की मुंडी उड़ाने के मूड में है दिव्या की आत्मा जेल में करण से मिलने आती है तो ये कहता है विवेक हॉस्पिटल में है उसे किसी ने मारने की कोशिश की जाकर पता करना अबे भाई किसी अंधे को भी नजर आ जाए कि ये आत्मा है क्योंकि कलर दुनिया में क्या ब्लैक एंड व्हाइट बंदी हो सकती है क्या और दिव्या जब बताती है कि मैं मर चुकी हूँ तो करण कहता है सब कब हुआ कैसे हुआ भाई इतना ठंडा रिएक्शन आपकी गर्लफ्रेंड मरी है थोड़ा रेंडी रोना तो करो यार पर नहीं दिव्या नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना था और इस जेल के रोड देखो लिटरली रबर्स के लगाए हैं है अतुल के पेड़ पर चाकू मारता है और खून भी निकल रहा है पर जब कपिल विवेक के पीछे पड़ा हुआ है तो अतुल पेड़ पर चाकू लगाकर इसका पीछा करी जा रहा है और अब शेड पर तो इतू सा भी खून नहीं लगा हुआ इस सीन में करण जेल से निकलने के लिए पुलिस वालों को ऐसी ऐसी जगह मुक्के मारता है की वो उठते नहीं उठ ही जाते हैं कातिया वो भी अपने ऐसे चिड़कुड़ भाई के लिए की लड़कियाँ अगर अपनी इज्जत लूटने ऐसी बचाए तो कहता है लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है पर पुलिस उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लेती है इसके खिलाफ यहाँ कपिल करण को मार देता है पर ये फादर अंडरटेकर बनकर ऐसी भेजता है कि करण फिर जिंदा हो जाता है अब ये करण है ये टाइगर और वो भी सिर्फ इस चिड़कूट को बचाने के लिए अरे फादर यही अंडरटेकर आप शुरू में बन जाते तो सारे बेकसूर बंदे आज जिंदा होते और कपिल रोके लॉन्चर से नहीं मरा गोलियों से नहीं मरा रोड अंदर चला गया था तो तब भी नहीं मरा पर आराम से उड़कर यहाँ लगा तो ये लोहा अंदर चला गया और फिर करण भैया ने इसकी फाड़ भी दी भाई लोग अब अब मैं भी खत्म होने वाला हूं। पर अब टाइम है उस पिक्चर से पर्दा हटाने का सिर्फ एक और बार गौर से देख लो अबे यार ये लैपटॉप नहीं है कैलेंडर है कैलेंडर <laughs> और अब टाइम आया है उस सरप्राइज का जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इसमें से पुरानी कोई मिस्टेक ढूंढी तो मैं आपको दूंगा तो यार ये है आपका सरप्राइज जो ये